अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनानी दवा के बारे में जो अरसे दराज से इस्तेमाल की जा रही है और बहुत उम्दा दवा है और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूनानी दवा के बारे में जो क्लासिकल दवा है और बहुत आसानी के साथ यूनानी मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाया करती है। तो दोस्तों, जिस दवा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जवाहर मोहरा। जी हाँ दोस्तों, जवाहर मोहरा ये एक मशहूर दवा है जो बहुत आसानी से सभी यूनानी मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाया करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जवाहर मोहरा किन किन बीमारियों को दूर करने में कामयाब है, काम में आती है और इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जवाहर मोहरा ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करती है। तो जवाहर मोहरा ये आज़ाए रईसा को ताकत देती है, जिस्म की कमज़ोरी को दूर कर देती है और जिन लोगों का जिस्म थका थका महसूस होता है उनकी जिस्म की थकावट को दूर कर देती है और जिस्म को चुस्तीला और फुर्तीला बनाती है। और ज़ोफ़ कल्ब के लिए, यानी जिन लोगों को दिल की कमज़ोरी महसूस होती है उन लोगों के लिए भी जवाहर मोहरा एक बेहतरीन तोहफ़ा है, बेहतरीन दवा है। और एहतराज कल्ब और मिर्गी के दौरे वाले जो होते हैं उनके लिए भी जवाहर मोहरा बहुत बेहतरीन दवा है, बहुत अच्छी दवा है, वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जवाहर मोहरा ये आज़ाए रईसा को ताकत देता है, जिस्म की कमज़ोरी को दूर कर देता है और दिल की कमज़ोरी को दूर कर देता है और जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम बात कर लेते हैं कि जवाहर मोहरा इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए, इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो जवाहर मोहरा तकरीबन चने के बराबर आप लें, ज़रूरत के वक्त भी ले सकते हैं और बीमारी के तौर पर अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो सुबह नाश्ते से पहले यानी नहार मुँह चने के बराबर आप लें और उसमें उतना ही दवाउल मिस्क जवाहर वाली जो आती है उसमें से थोड़ा चने के बराबर मिलाएं, दोनों दवाओं को मिला करके सुबह नहार मुँह इसे इस्तेमाल करें। चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो बीमारियां हैं वो दूर होती नज़र आएंगी और आप अपने अंदर, अपने जिस्म के अंदर ताकत महसूस करेंगे और जिस्म को तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, जिन लोगों का दिल कमज़ोर है या जिनका जिस्म थका थका महसूस होता है या आज़ाए रईसा में कमज़ोरी महसूस होती है वो लोग जवाहर मोहरा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले नए नुस्खे के साथ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।